हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमे जीवस। आई एम प्रणेश। टुडे आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज रिएजेंट, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर CSIR एग्जाम और गेट एंड रिलेटेड अदर एग्जाम। सो ये चैप्टर तीन पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ऑक्सीडेशन रिएजेंट, दूसरा है रिडक्शन रिएजेंट, तीसरा है एसिमेट्रिक सिंथेसिस means asymmetric reagents also, because this is a list I kept in list priority because it is some portion come to asymmetric synthesis chapter. So but some reagent also responsible for reduction as well as oxidation by asymmetric way. Okay, so today mainly I focused on these two chapters. One is oxidation reagent and another is reduction reagent, basic oxidation reagent and basic reduction reagent. This is the main two important topic. आप लोग ये दोनों topic carefully follow कीजिए, क्योंकि maximum questions around 4 to 5 questions ये दोनों chapter से आता है, और ये different other question में भी इसका थोड़ा portion रह जाता है, क्योंकि reagent is most important chapter of organic chemistry. Every chapter reagent is must. So now I will discuss one by one. See, this is an one important example of use of PCC reagent. क्यों मैंने इस example को select किया, उसका कारण है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये एक sugar moiety है, sugar means जो sugar chemistry होता है, और इसमें एक nucleic acid chemistry है जो nucleic moiety है, जैसे कि guanine type. So यहाँ पर आप PCC यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। PCC जब यूज़ करेंगे सो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल है, सो प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ PCC को LDH फॉर्म करता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ PCC रिएजन, क्योंकि वो दूसरा मोइटी में हेम्पर नहीं करते। इसके PCC के अलावा कोई भी आप रिएजेंट यूज़ करोगे, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ करोगे, वो क्या करेगा, इस मोइटी को हेम्पर कर सकता है। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ PCC। ये आप लोग देख लीजिए, कभी कभी अलॉटमेंट कर सकता है। अभी तक क्वेश्चन ऐसा टाइप नहीं आया, कभी भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मॉडिफाई करता है वो लोग। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप ये देखिए, और फ्यूचर में भी आपको ये बहुत काम में आएगा। एज ए रिसर्च आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आई गो टू अनदर यूज ऑफ PCC रिएजेंट। सी, दिस इज एन वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ PCC रिएजेंट। क्यों मैंने इस एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया, उसका कारण है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये एक शुगर मोइटी है, शुगर मीन जो शुगर केमिस्ट्री होता है, और इसमें एक न्यूक्लियक एसिड केमिस्ट्री है जो न्यूक्लियक मोइटी है, जैसे कि गुआनिन टाइप। सो यहाँ पर आप PCC यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। PCC जब यूज़ करेंगे सो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल है, सो प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ PCC को LDH फॉर्म करता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ PCC रिएजेंट, क्योंकि वो दूसरा मोइटी में हेम्पर नहीं करते। इसके PCC के अलावा कोई भी आप रिएजेंट यूज़ करोगे, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ करोगे, वो क्या करेगा, इस मोइटी को हेम्पर कर सकता है। That's why this is very important example of PCC. ये आप लोग देख लीजिए, कभी कभी अलॉटमेंट कर सकता है। अभी तक क्वेश्चन ऐसा टाइप नहीं आया, कभी भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मॉडिफाई करता है वो लोग। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप ये देखिए, और फ्यूचर में भी आपको ये बहुत काम में आएगा। एज ए रिसर्च आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आई गो टू अनदर यूज ऑफ PCC रिएजेंट। सी, हियर इज अनदर good example of PCC, because I select this PCC for understanding the actual use of PCC. तो यहाँ पर मैंने PCC, देखिए यहाँ पर PCC क्यों यूज़ किया है, यहाँ पर देखिए, एक epoxide ring है और एक alcohol group है। सो हमको oxidize किसको करना है, alcohol को। सो alcohol को अगर हम लोग oxidize करेंगे तो क्या होता है, वो LDH में transfer होता है, वह कीटो में transfer होता है। यहाँ पर primary है सो इसलिए वह LDH बनेगा। सो यहाँ पे सेंसिटिव ग्रुप क्या है, ये जो इपोक्सी ग्रुप है, या इपोक्सी ग्रुप क्या होता है, कोई अदर रिएजेंट आप यूज़ करोगे तो इजीली क्लिप, वो ओपन हो जाता है। पर इन दिस केस PCC इज़ गुड एग्जांपल।
तो समटाइम गेट में प्रॉपर ऐसा गेट में और नेट में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह का वैरायटी वो दे सकता है कि रिएजेंट का। अभी तो सबको पता है कि पीसीसी ये होता है, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस पेपर में अभी आ जाएगा, पर इस तरह का एग्जांपल वेरी रेयर है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली कम, क्योंकि आप लोगों को वो नॉलेज चेक करता है, नॉट ए आपको क्या जानते हो कि आप इसमें बेसिक क्या जानते हो, वही उन लोगों को आपको चेक करता है कि आप कितने परे हो, वो कभी नहीं चेक करता। दे यूज़ ओनली स्मार्ट, दे वांट स्मार्ट आंसर। ओके, दिस इज दैट्स व्हाई आई चूज दिस वन। सो यू मस्ट केयरफुली स्टडी व्हाट एवर द पीसीसी रीजन, बिकॉज पीसीसी दे आर नॉट गिविंग सो मच इन क्वेश्चन, बट व्हाट एवर दे गिविंग दे विल वेरी केयरफुली सिलेक्ट द एग्जाम्पल। सो दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस पीसीसी, दिस 3 टाइप ऑफ एग्जाम्पल व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम बाय योर एग्जाम। Here in this oxidation chapter, this PCC reagent is very important. Okay, so this PCC reagents, I already told this first reaction, this PCC also involving some rearrangement type reaction. It follows oxidation, but after some time it follow rearrangement. So this example is very important example for NET exam. Actually this related example came 2016 December exam, they are providing one PCC reagent and in this reaction is rearrangement will occur. Okay, so that's why I discuss this example. You can see there is a structure is a little bit complicated, but this reagent is very important. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे ये मोइटी है, ट्राइसाइक्लिक मोइटी है, इसमें इस पोजीशन में OH ग्रुप है। सो मैंने पहले ही बोला कि पीसीसी रिएजेंट एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटो बनाता है जनरली। ये प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही वो ऑक्सीडाइज करके कीटो बनाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एक OH ग्रुप है और एडजेसेंट एक डबल बॉन्ड है, मीन्स एलाइलिक डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे जो एलाइलिक डबल बॉन्ड है ये पीसीसी ऑक्सीडेशन से पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे कीटोन होगा। देखिए यहाँ पे कीटोन हो रहा है, कीटोन होने से क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में OH ट्रांसफर होके कीटू हो सकता है, पर यहाँ पे कार्बन वैलेंसी 5 हो गया, ठीक है। सो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पहले OH था, अभी कीटू होने से तो कार्बन वैलेंसी 5 हो गया, सो ये रिएक्शन तो नहीं हो सकता, नेवर बी पॉसिबल। सो इसको क्या होता है, इसलिए वो रीअरेंजमेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे OH था, बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड था। सो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी 4 है और एक हाइड्रोजन है। सो पहले ये ऑक्सीजन पीसीसी के साथ बाइंड करता है, पीसीसी के साथ बाइंड करके पीसीसी का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पीसीसी के साथ ये बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जाता है, पीसीसी के साथ बाइंड करके क्रोमियम के साथ ऐसा बाइंड करके, क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, बाकी पिरिडिनियम है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस पोजीशन में जाके, ये ऑक्सीजन इस पोजीशन में जाके अटैक करता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होता है, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। So there is a migration of oxygen to allylic position. So this is very important reaction. और ये इसको बोलते हैं 3, यहाँ पे एक rearrangement होता है, इसको sigmatropic type rearrangement होता है generally, कहीं कहीं book में आपको ये sigmatropic दिया हुआ है, कहीं बोले sigmatropic type, आप just इसको consider कीजिए कि इसको migration हो रहा है, बहुत सारा debate आएगा पर उस पर consider मत कीजिए, just migration of oxygen group। मैंने क्या बोला, पहले यहाँ पे allylic position पे OH था, ये transfer हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड में। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड में ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इस स्टेप में ये क्रोमियम आ गया। सो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो आके ऑक्सीजन ऐसा हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक किया, देन क्रोमियम, देन यहाँ पे ऑक्सीजन, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, देन यहाँ पे एज ए क्रोमियम
पीसीसी रीजन ओ यहाँ पे कीटो बन गया। देखिए पहले एल्कोहल कहाँ पे था, एल्कोहल इस पोजीशन में था, इट विल ट्रांसफरेबल बाई पीसीसी रिएजन टू दैट पोजीशन, तो शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप लोग देखिए यहाँ पे एक तरह का रिअरेंजमेंट हुआ है। दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेरिसाइक्लिक में भी आ सकता है और रिएजन में भी वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ पीसीसी ऑक्सीडेशन रिएजन। जनरली एल्कोहल से कीटू होता है तो सब बोलते हैं, पर ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। ओके, नाउ इन दिस क्लास आई वॉन्ट टू डिस्कस पीसीसी रिएजेंट्स। सो पीसीसी, यू ऑल्सो नो वॉट इज द पीसीसी, सी मीन्स पीरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्रोमेट मीन्स पीरिडिनियम, आई राइट इट पीरिडिनियम एंड सी आर उत्तु सी एल। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। सो दिस इज पीरिडिन ग्रुप कंटेनिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड देन क्लोरीन ग्रुप। इट एज ए सॉल्ट मिक्सचर, इट इज कॉल्ड पीसीसी रिएजेंट। यू हैव टू ऑल्सो सी इन गूगल और विकिपीडिया व्हाट एवर द पीसीसी स्ट्रक्चर यू विल इजिली गेट, और इन क्लास 12 नोटबुक्स और बीएससी बुक्स यू कैन गेट द व्हाट इज द पीसीसी। सो इन पीसीसी आई सिलेक्ट थ्री एग्जाम्पल्स फॉर डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। सो ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया है, इस तरह का एग्जाम्पल क्वेश्चन में आता है, सो दैट्स वाई आई सिलेक्ट दिस एग्जाम्पल। सो यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल एंड स्टडी। ओके,